जन जन की आवाज़, ये भारत की टीम रांची के HEC मुख्यालय के पास पहुंची है, ये दुर्गा में, जहां पर आज HEC मुख्यालय के जो कर्मी हैं वो धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है कुछ महीनों से, उस चीज़ को लेकर के ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, ये लोग नारेबाजी लगा रहे हैं कि आइए मजदूरों पर शोषण करना बंद करो, आइए भाई हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनकी मुश्किलें हैं। देखिए, मुश्किलें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। ये HEC जो है हमारा पूरा विश्व लेवल पे हमारा मदर प्लांट है ये, लेकिन स्थितियां धीरे धीरे ख़राब होते जा रही है। यहाँ का प्रबंधन जो है एकदम निकम्मी प्रबंधन है, और पिछले एक साल से वेतन की काफ़ी समस्या हो रही है। जो अभी तक 7 महीना का ड्यू चल रहा है, तो एक नीलांचल का पैसा आया हुआ है करीब 28.63 करोड़ रुपया। तो हमने लगातार प्रयास किया कि ये जो डूबा हुआ पैसा था, कहीं पे नहीं मिलने वाला पैसा था, वो HEC को मिल गया है। तो जो 7 महीना का बैकलॉग है इंजीनियर और वर्कर्स का, सभी साथियों का, ये बैकलॉग ख़त्म करने का एक अच्छा मौका है। लेकिन प्रबंधन इसको भी बंदरबांट करने की पूरी जिद्दोजहद लगी हुई है, इसलिए कि जो वेंडरों को पेमेंट करते हैं HEC जहाँ कच्चा मटेरियल लेता है, अगर उसको पेमेंट करते हैं तो वहाँ से कमीशन मिलता है, जिसके चलते वो पैसा को उस मद में ज़्यादा खर्च करने का प्रयास कर रहा है लोग। लेकिन हम लोग भी पूरे मतलब मुस्तैदी से खड़ा हैं। अगर प्रबंधन अगर वर्करों का कम से कम 5 महीना का वेतन नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर प्रबंधन का आगे भी हमारा जो आंदोलन होगा उग्र होगा, और प्रबंधन को यहाँ से भागना पड़ेगा। देखिए, घर परिवार में 7 महीना सैलरी नहीं मिलना बहुत कठिन हो गया है। अभी तो स्कूल में बहुत बच्चे को एडमिशन मतलब नाम काट दिया गया था, फिर हम लोग प्रयास किए, प्रबंधन भी उसमें सहयोग की है, कुछ कुछ जगह पे सहयोग कर रही है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। ये कि हम लोग केंद्र सरकार से भी लगातार प्रयास कर रहे हैं HEC बचाने का, लेकिन जो नीति है सरकार की वो नीति सही नहीं है। फिर भी भारतीय मजदूर संघ HEC के लिए लगातार प्रयास कर रही है, निश्चित तौर पे हम लोग की जीत होगी, और मजदूरों का जो ताकत होगा, ये एकता में ताकत होती है, और हम लोग सफलता जरूर मिलेगी। अब अगर नहीं दिया जाएगा वेतन तो इसके बाद क्या कदम उठाइए? देखिए, यहाँ पे कारखाने के अंदर भी जो उत्पादन होना चाहिए, तो उत्पादन जो डायरेक्टर निदेशक उत्पादन है वो अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, और अभी 3 साल से जो उत्पादन में कमी आई है, ये हमारा HEC अगर एक CMD रहता, सिर्फ एक HEC CMD कुर्सी के लिए निदेशकों में आपसी तनाव के कारण HEC 20 साल पीछे चली गई है। CMD की कुर्सी के लिए भी यहाँ पर तनाव है? जी, यहाँ पे क्या CMD की कुर्सी अभी वैकेंट है, वो जो घोष जी के जाने के बाद एक प्रभारी CMD का यहाँ पे नियुक्त करने की बात हो रही थी, तो आपस में सभी लोग कह रहे थे मैं बनूंगा, लोग काफ़ी प्रयास भी किए बनने के लिए, लेकिन नहीं बना, और जिसके कारण CMD नहीं बने तो वो काम करना एकदम छोड़ दिए हैं, और HEC को गर्त में भेजने का ये कर रहे हैं। सरकार अब दूसरे तरीके से जो उनका नीति उनका मतलब जो स्थिति चल रही है, उसका कहना है कि मर्जर करेंगे या फिर प्राइवेट करेंगे, ये स्थिति में चलाने का सरकार की नीति नहीं है। लेकिन हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, माननीय राज्यपाल महोदय जी, सांसद संजय सेठ जी, वो लोग भी आए हैं, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि मर्जर हो या फिर एक अच्छे फैक्ट्री के साथ इसकी मर्ज किया जाए। हमारे साथ एक और कर्मचारी मौजूद है और ये नारेबाजी कर रहे थे, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं। समस्या तो मेरा बहुत सारा है मैडम, लेकिन फिलहाल जो है अभी हमारा 7 महीना से वेतन नहीं मिला है, और इसलिए करके जो है सारा जितना भी वर्कर है हमारे, वो सप्लाई के हो या परमानेंट हो, सभी हम लोग परेशान हैं, क्योंकि हम लोग इसी से जो है हमारा गुजर बसर होता है। हम लोग बाल बच्चे को जो स्कूल में पढ़ाने लिखाने का सबका यही मकसद होता है, और अभी फिलहाल जो हम लोगों का स्कूल में भी जो हम लोग फीस वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, और चिंता सता रही कि हमारा बच्चा का जो भविष्य क्या होगा। वैसे स्थिति में जब इसको नीलांचल से जो है 28.63 जो करोड़ रुपया जो आया है, उस पैसे में जो है ये मात्र हम लोगों को 1 महीना का पेमेंट दे रहा है, और अधिकारियों को जो है 1.5 महीना का, और दोनों में जो हम लोगों को बीच में जो है आपस में मतभेद करने का काम कर रहा है, और ये मतभेद जो है ये मैनेजमेंट सोचता है कि हम अधिकारी को और वर्कर को दोनों को जो है आपस में जो है लड़ा दें और अपना उल्लू सीधा कर ले। ये लोग जो है वेंडर को पैसा दे करके अपना अपने पैसा को बंद कर, काफी लोगों का सैलरी अटका हुआ है या फिर बड़े बड़े जो ऊपर में जो पद में कार्यरत हैं उनका नहीं, अभी सबका जो है यहाँ पर सबका लंबित है, अधिकारी को भी जो है उनका भी पैसा जो है नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर बात है कि भाई अधिकारी को 1.5 महीना का जो है दे रहा है, जबकि यहाँ पर जो है अधिकारी हो या वर्कर हो, सबको एक साथ जो है यहाँ पर पेमेंट जो है 5 महीना का देना चाहिए, क्योंकि उस समय पैसा नहीं था,
कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जो है कुछ पैसा आने वाला है 8 करोड़ आएगा तो हम एक आप लोगों को 1 महीने की तनख्वाह देंगे, जबकि यहाँ पे 29 करोड़ रुपया आया है तो इनको जो है 5 महीना का पेमेंट देना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो कर्मचारी हैं HEC के, इनमें काफ़ी ज़्यादा क्रोध भरा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हैं और इनको अभी तक ये वेतन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ वेतन को लेकर के मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि अगर अब भी इनको वेतन नहीं दिया जाएगा तो ये उग्र आंदोलन के लिए भी उतर सकते हैं। और यहाँ पर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका भी वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GN भारत। रांची से सहयोगी शिखा श्रेया के साथ मैं राशिका बजाज, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।